ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବା ତଥା ଭାରତର ଲୌହ ମାନବ ଭାବେ ପରିଚିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ ସମ୍ମାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକତା ଦୌଡ଼। ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ। ଦିଲ୍ଲୀର ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକତା ଦୌଡ଼ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଏଥିରେ 7000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। देश की एकता और अखंडता के लिए, पूरे देश को संकल्पित करने के लिए एकता दौड़ का आयोजन करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक पूरा देश एकता दौड़ से न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्पित होता है, उस दिन अपने आप को भारत माता की सेवा में पुनः समर्पित भी करता है। और आज जब हम एकता दिन की एकता दौड़ के लिए सब एकत्रित आए हैं, तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा है, अब ये एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है। दिल्ली समेत देशर विभिन्न स्थान रे एकता दौड़र आयोजन करा जाय छे। लखनऊ रे यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्रीनगर जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रन फॉर यूनिट रे शामिल होई लोकों सहित दौड़ी। सेपर अहमदाबाद रे मुख्यमंत्री भूपिंदर पटेल, गुवाहाटी हिमंत विश्व शर्मा, राजस्थान रे सीएम भजनलाल शर्मा, भुवनेश्वर मुख्यमंत्री मोहन माझी कार्यक्रम को उद्घाटन करने सहित लोकों सह दौड़ी थिले। आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। प्रतिवर्ष अक्टूबर 31 रे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्मदिन रे एकता दौड़र आयोजन होइथाय, किंतु चलित वर्ष ए दिन दीपावली पडथुवारु अक्टूबर 29 रे रन फॉर यूनिट रो आयोजन होइछि। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।